आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। चलिए 3 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं पंजाब ब्रेकिंग न्यूज के साथ, और ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है कांग्रेस। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में राहुल गांधी खुद कांग्रेस के प्रचार की कमान संभालेंगे। खबर यह है कि राहुल गांधी 3 जनवरी से पंजाब में चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। विशाल इंग्लिश जुड़ गए इस खबर पर। तो विशाल, अब धुआंधार प्रचार करेगी कांग्रेस पंजाब में, राहुल गांधी के हाथ में होगी कमान। देखिए विपनेश, जिस तरह से सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार ही चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं, और इससे पहले जो श्रोमणी अकाली दल है उसके अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने 70 के लगभग अलग अलग कंस्टिट्यूएंसियों में अपना चुनाव प्रचार भी कर लिया है, और कांग्रेस अभी पीछे भी है, और यही कारण है कि लगातार ही आपसी क्लेश में उलझी हुई कांग्रेस अब प्रचार के ऊपर ध्यान देने में जुट गई है, और यही कारण है कि मोगा में प्रस्तावित की गई है राहुल गांधी की रैली। लेकिन सबसे बड़ी बात होगी कि जिस तरह से 2017 में राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को घोषित मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में घोषित कर दिया था, तो अब क्या चरणजीत सिंह चन्नी या नवजोत सिंह सिद्धू या कांग्रेस के किसी और सीनियर नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, ये अभी सभी की नजरें मोगा रैली के ऊपर लग गई है, क्योंकि कांग्रेस ने उस दिन ही पूरा का पूरा जो जोर है वो मोगा रैली के ऊपर लगा दिया, और जो सोर्सेज भी बता रहे हैं कि 100 एकड़ के लगभग जो जमीन है उसको खाली करवाया गया है। बेशक किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है उस जमीन का, और पूरी की पूरी शक्ति है वो उस रैली को कामयाब करने के लिए कांग्रेस ने झोंक दी है। विशाल इंग्लिश, शुक्रिया इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो 3 जनवरी से मोर्चा संभालेंगे राहुल गांधी। आगे बढ़ते हैं, एक और ब्रेकिंग न्यूज। मिशन पंजाब के लिए बीजेपी ने शुरू की है तैयारियां। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया है। जालंधर में राज्य स्तरीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, और इस मौके पर गजेंद्र शेखावत ने केजरीवाल पर साधा निशाना। शेखावत ने कहा कि आम आदमी पार्टी केवल वादे ही कर रही है। जिस तरह के हालात पंजाब में है, वर्तमान की सरकार इससे पहले की सरकार है, उसका जिम्मेदारी लेने के बजाय अहंकार से ग्रसित है, और अहंकार के वश जिस तरह के स्टेटमेंट वो दे रहे हैं, मुझे लगता है कि पंजाब की जनता का विश्वास अब उनसे समाप्त हो गया। एक तरफ अहंकार से मैं पगी हुई कांग्रेस और कांग्रेस के पंत को प्रदेश प्रधान है, दूसरी तरफ एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत सारे दाग लगे हैं, एक तरफ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने एम्प्टी प्रॉमिसेस के लिए पूरे दिल्ली के सामने और देश के सामने जगजाहिर हो चुकी है, जिसने झूठे सब्ज बाग दिखा करके और अब तो दिल्ली के एमसीडी के 13,000 करोड़ रुपए रोक करके दिल्ली के विकास में जो पार्टी बाधा बनी है वो एक झूठे कांच और सपने लेकर के यहाँ पंजाब में आई है। किसान जो राजनीति नहीं करेंगे ये बात करते थे, उन्होंने भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई है।